मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वेइंग टू का फोर्थ चैप्टर कर्व। ठीक है, तो पहले कर्व की डेफिनेशन। अ कर्व इज़ अ कॉन्टीन्यूसली बेंडिंग लाइन दैट हैज़ नो स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, ये होती है हमारी कर्व। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक जा रही है, ठीक है, इसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि कई बार हमें टर्न्स होती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमें मुड़ना है, ठीक है, वहाँ से, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो रोड का लेवल होता है, ठीक है, वो सेम होता है, तो गाड़ी फिसलने, ठीक है, गाड़ी के स्किड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो पलट सकती है। ठीक है, अगर हम ब्रेक लगा दें, ठीक है, अपनी स्पीड हमें कम करनी पड़ती है, इसलिए हम कर्व के साथ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रोड की एक साइड जो आउटर एज होती है, ठीक है, वो अप होती है, तो और जो इनर एज होती है वो डाउन होती है। ठीक है, सुपर एलिवेशन और जो हमारी टर्न होती है उसके कॉम्बिनेशन को हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, कर्व इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस वेयर इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम द स्ट्रेट सेक्शन ऑफ हाईवे। ठीक है, ये हम आपको बताई आपको पता ही है। All roads cannot be aligned straight, क्योंकि हम roads को कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर road आपको पता है सीधे ही होते हैं, लेकिन कई बार हमें turn की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें direction change करनी पड़ती है, इसीलिए हम वहाँ पर curve provide करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक angle होता है, ठीक है, जिसके हिसाब से हमें curve provide करनी पड़ती है। ठीक है, द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स आर। ठीक है, हमें नीड क्यों है इसकी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोड सो दैट एक्सेस मे बी प्रोवाइडेड टू पर्टिकुलर एरिया और लोकेशन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लोकेशन आना था। ठीक है, हमें किसी भी रोड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हम कर्व वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें, कई बार क्या होता है कि हम अगर सीधा रोड बनाएं तो मान लो कि हमारे पास वो लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, अगर हम हल्की सी कर्व प्रोवाइड कर दें तो रोड की डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमारे पास वो शॉर्टेस्ट वे भी हो सकता है। ठीक है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग और हमारी जो सूटेबिलिटी है, ठीक है, अपनी व्हीकल के लिए, ठीक है, जो हमारे ट्रैफिक के लिए, उसके हिसाब से हम कर्व को प्रोवाइड करते हैं। टू अवॉइड द एक्सेस एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन मेकिंग ब्रिजेस एंड बाइंग प्राइवेट लैंड इन केस ऑफ हाईवे रेलवे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें अवॉइड करना पड़ता है, जैसे हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, जैसे कि हमें अगर हमें रोड बनाना है, ठीक है, तो हमारा जो हमें पता है कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो जब भी हम रोड बनाएंगे तो हम शॉर्टेस्ट पाथ से हमेशा बनाते हैं, लॉन्गेस्ट से नहीं, क्योंकि हमारी उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है हमें ब्रिज बनाने पड़ते हैं, ठीक है, प्राइवेट लैंड को बाय करना पड़ता है, ठीक है, इसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। ठीक है, इसको अवॉइड करना पड़ता है इसमें। ठीक है, समटाइम कर्व्स बिकम अ हाई नेसेसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी एरिया सेट इन केस द रोड अप्रोचिंग हिल स्टेशन वैली लैंड एंड हार्ची एरिया। ठीक है, जो हमारे हिली एरियाज हैं, ठीक है, उनकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ही हमें कर्व प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व होती हैं। ठीक है, इसलिए हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कर्व को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा हिल स्टेशन हो गया, वैली लैंड हो गया, ठीक है, और आर्ची एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टू अवॉइड रिलीजियस माउंटेन मोनूमेंट्स एंड सम अदर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मंदिर, ठीक है, रिलीजियस हो गए, ठीक है, और भी हमारे कुछ, जैसे कि गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, ठीक है, उसको बचाने के लिए कई बार हमें कर्व की प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर हमें सीधा रोड बनाएंगे तो हमें कई बार क्या होता है कि हमें वो चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं, उसको हमें बचाने के लिए तो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें वो चीज़ को डैमेज ना करना पड़े और हमारा जो रोड है वो भी बन जाए। टू प्रिजर्व एसेंशियल एमिनिटीज़ लाइक माइनिंग एरिया, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा इन कर्व सर्वे द मेजरमेंट एंड अदर डाटा टेकन फ्रॉम द प्लान आर एग्जीक्यूटेड ऑन द रोड रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे रेलवे का हो गया, रोड का हो गया, ठीक है, सबसे पहले उसका
प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, ठीक है, रिकॉन्सेंस होता है, उसमें देखा जाता है कि हमारा जो एरिया है वो कैसा है। फिर प्रिलिमिनरी सर्वे में रफ सर्वे होता है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि हमारा जो हमारा रोड है वो कैसे जाएगा, उसकी सेंटर लाइन कैसे होगी, कहाँ से हमारा रोड सीधा जाएगा, कहाँ पे हमें कब प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, सब कुछ हमें मेजरमेंट लेनी पड़ती है पहले। अ रोड और रेलवे विल यूजली कंपेयर प्राइस ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्रेट सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व इज नोन एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बेसिकली सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व के कॉम्बिनेशन को हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी, दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ अ रोड इज कॉल्ड टेंजेंट। जो हमारी स्ट्रेट लाइन ऑफ रोड आर कॉल्ड टेंजेंट, जैसे कि आपको ये पता ही है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ से जो जा रहा है वो हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, ठीक है, यहाँ से हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स। कर्व्स हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट में वर्टिकल में समिट और सैग वैली, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ट्रांजिशन कर्व है और सर्कुलर, सिंपल सर्कुलर, ठीक है। तो जो पहली है हॉरिजॉन्टल कर्व, द कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन हाईवे टू चेंज डायरेक्शन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ अ रोड आर टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल कर्व। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ठीक है। अ सिंपल सर्कुलर कर्व, व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और आर विद अ कांस्टेंट रेडियस कनेक्टिंग टू अ स्ट्रेट टेंजेंट इज इट इज टू बी अ सर्कुलर कर्व। जैसे आप देख ही सकते हो, ठीक है, ये देखो ये हमारे टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है, मान लो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हमारा टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है डी, यहाँ से हम एंगल जो हमारे टेंजेंट जा रहे हैं, यहाँ से हम सर्कुलर कर्व का रेडियस डिज़ाइन होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। ये आपको हाईवे में जब हम हायर स्टडी में जाते हैं तब ये हमें हाईवे इंजीनियरिंग में डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये रेडियस हमें बना देना पड़ता है, ठीक है। नीड, कर्व्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस वेयर इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइन स्ट्रेट सेक्शन टू बी अनदर। यह हम यही लाइन बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें किसी रोड की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें कर्व हमेशा प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व, व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आर्क विद डिफरेंट रेडियस, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, एक तो हमारा ये टेंजेंट है और एक हमारा ये टेंजेंट है, ठीक है, इसका जो यहाँ से रेडियस है वो कुछ अलग है और जो इसका है वो वहाँ से कुछ अलग है, ठीक है। सच अ कर्व लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हमारा कर्व होती है वो कॉमन टेंजेंट पर भी आ जाती है, ठीक है, उसको भी कंपाउंड कर्व बोल सकते हैं, विद द डिफरेंट आर्क लाइज, ठीक है, बट क्या होता है कि हमारा जो आर्क का रेडियस होता है वो हल्का सा डिफरेंट, हल्का सा उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट। रिवर्स कर्व, ठीक है, हमारी नेक्स्ट, अ रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ अ टू आर्क बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं रिवर्स कर्व, एस शेप को, ठीक है। देयर सेंटर लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व, जो इनके सेंटर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, ठीक है, तभी हमारा एस टाइप कर्व बनता है, ठीक है। देयर रेडियस मे बी इधर इक्वल और डिफरेंट, इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन हमारी प्लेस कैसी है, ठीक है, हिल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेस है या हिल एरिया है हमारे पास। दे हैव वन कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास कॉमन टेंजेंट भी आता है कि उनका रेडियस होता है जो सेम होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन कर्व, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका डिज़ाइन भी हम करेंगे, ठीक है। अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व, ये देख लो, ठीक है, कई यहाँ से लाइन हल्की सी स्ट्रेट है, उसके बाद जो हमारा ओ पॉइंट से हम जो टेंजेंट रेडियस मारेंगे वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व में सर्कुलर का कॉम्बिनेशन होता है और ट्रांजिशन कर्व, जैसे कि हमारी ये हल्की सी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है,
इसको ही हल्का सा ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। सच अ कर्व प्रोवाइड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि दो स्ट्रेट, हल्की सी स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, और जो हमारी सर्कुलर, हमारी जो आर्क होती है उसको बोलते हैं सर्कुलर कर्व, ठीक है। बिटवीन ब्रांचेज ऑफ द कंपाउंड ऑफ रिवर्स कर्व टू प्रोवाइडेड अ अब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन व्हेन द अलाइनमेंट चेंज, ठीक है। ये हमारे आज के टॉपिक थे। अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।